ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लीडरशिप इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी के हिसाब से कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं। हियर इज इट, कॉस्ट लीडरशिप। ओके, सो कॉस्ट लीडरशिप इज अ स्ट्रेटजी एम्ड एट बिकमिंग द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है? सो कॉस्ट लीडरशिप इज अ काइंड ऑफ यू नो एक लीडरशिप जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सबसे कम दाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की जा रही है, एक इंडस्ट्री में जैसे कि सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, गाड़ियां तो सभी लोग बना रहे हैं, है ना? टू व्हीलर जो वाहन होते हैं, टू व्हीलर जो व्हीकल्स होती हैं, वो बहुत सारी जो कंपनीज है वो बना रही है। लेकिन आप जो बना रहे हो वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफिशियंट है, मतलब आपको खर्च बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है। अगर आपका खर्च बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा तो आप उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना? तो आप इस मामले में हम कह सकते हैं कि आप क्या हो, कॉस्ट लीडर हो। आपके पास जो है कॉस्ट लीडरशिप है, जहां पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जो प्राइसिंग है, जो कॉस्टिंग है, वो बहुत ज्यादा आपको नहीं आ रही, ठीक है? विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस दैट अडॉप्ट अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी सीक्स टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस देन देयर कॉम्पिटिटर्स व्हाइल मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप देखो अगर प्राइसेस कम आप करोगे तो उसका असर कहीं तो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, या जो प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं आप वहां पे थोड़ा बहुत मिली भगत चीजें आप कर सकते हो। कॉस्ट ऐसे ही तो कम नहीं हो जाएगा ना कुछ तो आपको करना होगा। तो जो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं वो इसलिए अपनाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। कम दाम की चीजें सभी को पसंद है, बट अच्छी क्वालिटी की चीजें अगर आप लेने जाएंगे तो आपको एक हल्का सा ज्यादा प्राइस जो है आपको पे करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कम दाम में आपको अच्छी प्राइसेस के प्रोडक्ट भी मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम रख रहे हो, लेकिन जो आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि एकदम ही खराब है ना? तो उस तरह की चीजें अगर होंगी तो उसको हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बोलेंगे। सो इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अभी के टाइम में अगर हम बात करें, कॉस्ट लीडरशिप रिमेन्स रिलेवेंट, अभी के टाइम में भी ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है एंड वैल्यूएबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू सेवरल रीजंस, है ना? तो बिजनेस के लिए अभी भी जो है ये काफी ज्यादा रीजनेबल है, काफी ज्यादा यूजफुल है। और क्या क्या इसके लिए रीजंस दिए गए हैं, क्या क्या कारण है इसके यूजफुल होने के, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यस प्राइस सेंसिटिविटी। यस किशन, आपने ज्वाइन कर दिया, आवाज आ रही है ना? यस ओके, सो बिल्कुल कॉस्ट लीडरशिप फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो बाकी सारे कंपनीज के मुकाबले जो कि सेम तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा कम है। तो चूंकि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो आपके पास एक एडवांटेज है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपके पास है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, क्योंकि फायदा तो आपको दोनों केस में हो जाएगा, क्योंकि आपका जो खर्च है प्रोडक्ट को बनाने का वो कम है, ठीक है? तो उसको कॉस्ट लीडरशिप का मतलब यही है कि आप कॉस्ट एफिशिएंट हैं, आप कम प्राइसेस में प्रोडक्ट को बना दे रहे हैं ताकि आपको एक एडवांटेज मार्केट में मिले। तो जब आप उस एडवांटेज का फायदा उठाएंगे तो आप डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी या कुछ भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है और कुछ कुछ कारण है जिसकी वजह से इस चीज को किया जाता है। कि सबसे पहला पॉइंट हमारा है प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है? सो इन अ हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एक ऐसा मार्केट जो कि प्राइस सेंसिटिव है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा प्राइसेस के बारे में सोचते हैं कि यार इसका प्राइसेस बहुत ज्यादा है, इसको नहीं लेते हैं, इसका प्राइस थोड़ा कम है, थोड़ा ही कम है तो उसी को लेंगे, है ना? तो ऐसा कोई मार्केट जो कि बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होगा, कस्टमर्स आर मोर इंक्लाइंड टू दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट ऑफर द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे जिसके जो ऐसा होगा कि जितने पैसे वो पे कर रहे हैं उसका पूरा लाभ जो है उनको मिल पाए, प्रीमियम प्राइसेस वो आपको पे नहीं करेंगे, ठीक है? आपको उतना ही पे करेंगे जितना उनको लगता है कि उसका प्राइस होना चाहिए या जितना वैल्यू है जो है उनको मिलेगा, है ना? सो कस्टमर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है और मार्केट भी बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। कॉस्ट लीडर्स कैन लिवरेज देयर लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स, पोटेंशियली गेनिंग अ लार्जर मार्केट शेयर, है ना? तो ऐसा देखने को मिलता है, अगर दो प्रोडक्ट है तकरीबन सेम क्वालिटी का है और एक की प्राइसिंग काफी ज्यादा कम है, या सपोज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी है लेकिन अच्छा क्वालिटी है बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी प्राइसेस और भी ज्यादा कम है, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली जिसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है आप उसी को परचेस करेंगे, क्योंकि वहां पे आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो घुसेंगे नहीं कि किसकी क्वालिटी कितनी है। आपने चला के तो किसी को भी नहीं देखा है, दोनों को ही नहीं देखा है,
ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जो प्राइस कॉन्शियस जो कस्टमर्स होते हैं, जो मार्केट होता है, वहां पे आप इस तरह की स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर आप अचीव कर सकें, ज्यादा से बड़ा से बड़ा मार्केट शेयर आप उसको कैप्चर कर सके। ठीक है, तो प्राइस सेंसिटिविटी वाले जगहों पे केसेस में जो है कॉस्ट लीडरशिप का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना, कि कंपटीशन में आकर के आप अपने प्राइसेस के आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम करते हैं ताकि आप कंपटीशन में बने रहें। कोई कंपनी अगर 15 रुपए में बेच रही है तो आप उसको 12 रुपए में बेचेंगे ताकि बाकी सारे लोगों को लगे कि भाई सेम चीज मुझे 12 रुपए में कहीं पे मिल रहा है तो मैं वहां से क्यों ना खरीदूं। तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण भी देखा जाता है कि जो कंपनीज है वो अपने प्राइसेस को प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम रखती है। सो इंटेंस कॉम्पिटिशन, जहां पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा, ऑफन ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशंस टू फाइंड वेज टू रिड्यूस कॉस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टे कॉम्पिटेटिव। अगर आप सेम प्राइसेस रखेंगे हमेशा के लिए तो हो सकता है कि कस्टमर्स आपके पास ना आए, है ना, क्योंकि अगर उनको कहीं सस्ता मिलेगा तो वो आपके पास क्यों आएंगे। तो अगर आपको मार्केट में कॉम्पिटेटिव बने रहना है, प्रॉफिटेबल बने रहना है, तो कम प्रॉफिट कमा करके भी आपको अपने प्रोडक्ट को निकालना होगा। आपको प्राइसेस ऐसी रखनी होंगी कि ताकि आपका प्रॉफिट भी हो जाए और आपका सारा सामान भी बिक जाए, है ना। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टे कॉम्पिटेटिव दे डू कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी एज वेल। ठीक है, सो कॉम्पिटेटिव प्रेशर इज वन ऑफ द टॉपिक। अडॉप्टिंग अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू विदस्टैंड प्राइस वॉर्स एंड मेंटेन अ कॉम्पिटेटिव एज, है ना। तो जब लोग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो अपना प्राइस है उसके साथ वो स्टैंड कर पा रहा है, ठीक है ना। वहां पे वो लोग कम प्रॉफिट कमा रहे हैं बट एटलीस्ट मार्केट में वो है ना। अगर आप ज्यादा प्राइसेस रखेंगे तो हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर ही एकदम चला जाए और लोग आपके पास आए ही ना। तो कॉम्पिटेटिव एज लेने के लिए एक विदस्टैंड जो प्राइस होता है, जिस प्राइस मतलब जो अफोर्डेबल हो, आप उस प्राइसेस को चूज करते हैं अंडर द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वही हो गया कि ज्यादा प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे तो आपका रिसोर्सेज भी ज्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। एक प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, एक गाड़ी अगर आप बनाते हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल का यूज हुआ वो हुआ, लेकिन जो बच गया उसका कोई यूज नहीं है, वो आपको फेंकना पड़ेगा। पर अगर आप 5 गाड़ियां बना रहे हैं तो हो सकता है कि 4 गाड़ी का जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट में आपकी 5वीं गाड़ी भी बन जाए। ठीक है, यस तो बिल्कुल इकोनॉमीज ऑफ बिल्कुल होता है स्केल यही सर। होता है क्या किशन? ऐसा ही होता है सर मोस्टली। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज क्रूशियल फॉर कॉस्ट लीडर्स। अगर कॉस्ट लीडर्स अगर आप हैं तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना होगा, और कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते हैं। एज दे प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कि वो लोग ज्यादा क्वांटिटीज बना रहे हैं तो वो जो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा कम होगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कोई लेबर अगर एक दिन के लिए काम कर रहा है वो सेम पैसे लेगा चाहे वो एक ही प्रोडक्ट क्यों ना बनाए, लेकिन कोई बंदा एक ही दिन में अगर 5 प्रोडक्ट बना रहा है तो भी उसको आप एक ही दिन का पेमेंट करोगे, तो लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा आपका कम पड़ता है। बेटर बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स, है ना, ये सारी चीजें आपके पास होती है, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो आपका सप्लायर है आप उसको जब रॉ मटेरियल का ऑर्डर दोगे तो भी आप बल्क में दोगे, बहुत ज्यादा ऑर्डर उसको पड़ेंगे, तो जब आप उसको किसी को बिजनेस दे रहे हो तो आपके पास बार्गेनिंग पावर होता है। आप बार्गेन कर सकते हो कि चलो इतना प्राइसेस मैं नहीं दूंगा, इससे कम दूंगा, क्योंकि आप ज्यादा सामान ले रहे हैं, है ना। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग, है ना। और चूंकि बड़ा बिजनेस है तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो भी बड़ा होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से तो नहीं होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, राइट। सो वो भी आपका जो है एक फायदा देखने को हम लोगों को मिलता है, इसके कारण से भी लोग कॉस्ट लीडरशिप का इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड एफिशियंसी। विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एफिशियंसीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस, रिड्यूस वेस्ट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें जो है वो लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट लीडरशिप प्रोसेस स्ट्रेटेजी, जहां पे वो लोग अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, अपने जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा सामान ना फेंका जाए, कहीं ना कहीं उसका यूज हो जाए, रिसाइकलेबल चीजें आप बोल सकते हो, एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, है ना। उन सब का इस्तेमाल जो है टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का यूज करके ये सारी चीजें की जा सकती हैं। कॉस्ट लीडर फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, है ना। जैसे कि कोई मशीन है, कोई मशीन किसी सामान 1 घंटे में सपोज 10 कपड़े बना रही है, सपोज कपड़े बना रही है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 10 कपड़े बना रही है, तो अगर आपने टेक्नोलॉजी और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया तो हो सकता है कि 1 घंटे में आप वो 15, 20, 50 कपड़े भी बना दे, है ना। सो टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी के कारण भी आपका जो कॉस्ट रिडक्शन है वो काफी ज्यादा होता है और आप यहाँ पे कॉस्ट लीडर होने बन सकते हो।
ठीक है। यस हाँ, बिल्कुल इनोवेशन टू ड्राइव डाउन कॉस्ट फर्दर, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है प्राइस लीडरशिप, ठीक है। बीइंग अ कॉस्ट लीडर अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस एंड पोटेंशियली फोर्स कॉम्पिटिटर्स लोअर देयर प्राइसेस एज वेल। अब सोचो, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आप बल्क में सारा ऑर्डर दे रहे हो, बल्क में आप आपका सामान जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो कम गया। तो जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम गया, तो आप मार्केट में जब आप प्राइस को अपना लिस्ट करवाएंगे, जब अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट करवाएंगे, तो आप उसको कम दाम में सपोज आपने लिस्ट कराया, तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होगी उनको भी मजबूरी में अपने प्रॉफिट को गंवा करके उनको भी प्राइसेस को कम करके ही मार्केट में लिस्ट करवाना होगा। नहीं तो आप उसके पास क्यों जाओगे? कोई भी कस्टमर किसी हायर प्राइसेस वाले के पास क्यों जाएगा, है ना? तो आपके पास आप प्राइस बिल्कुल लीडर भी हो जाते हो, मतलब आप जो प्राइस चूज करोगे वही प्राइस बाकी सारे कॉम्पिटिटिव जो जो फर्म्स है, जो बिजनेसेस हैं, उनको भी सेम प्राइस चूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारा बेनिफिट आप ही को मिलेगा, है ना। सो बीइंग अ कॉस्ट लीडर अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस, आप यहाँ पे मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एंड पोटेंशियली फोर्स कॉम्पिटिटर्स, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फोर्स कर सकते हो कि वो भी अपने प्राइसेस को कम करें। जैसा कि मैं जियो और एयरटेल का एग्जाम्पल ले रहा था, एयरटेल के प्राइसेस स्टार्टिंग में काफी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही जियो आया, जियो के आने के बाद एयरटेल को मजबूरी में अपने प्राइसेस को कम करना पड़ा, क्योंकि अगर वो प्राइसेस को कम नहीं करते तो हो सकता था कि एयरटेल भी अभी के टाइम पे वोडाफोन और आइडिया की कैटेगरी में आकर के गिर जाता, ठीक है ना। सो वो एक है। दिस कैन मेक इट चैलेंजिंग फॉर कॉम्पिटिटर्स टू मैच और कम्पीट कॉम्पिटिटिवली, सॉरी इफेक्टिवली। सो ये जब चीज होती है ना, तो जो कॉम्पिटिटर होता है, अगर उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है, अगर वो ज्यादा बर्न अपने पैसे को नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो मार्केट में ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। जैसा इंडिया में बाकी सारी कंपनीज के साथ हुआ, एयरसेल, डोकोमो, यूनिनॉर, नेम इट, कोई लिस्ट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, क्योंकि वो लोग मार्केट में खुद को कम्पीट ही नहीं कर पाए, वो प्राइसेस को रिड्यूस ही नहीं कर पाए, है ना। सो वो सारी चीजें हैं, मैच और कम्पीट इफेक्टिवली, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द पोजिशन ऑफ द कॉस्ट लीडर, है ना। और इससे भी जो कॉस्ट लीडर होगा उसके पोजीशन को ही और ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो बनेगा, ठीक है। कंक्लूड करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉस्ट लीडरशिप डज नॉट मीन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, बहुत सारी कंपनीज कर लेती हैं, पर अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप मार्केट शेयर तो कमा बढ़ा लेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही साल एग्जिस्ट करेगा, अगले साल कोई आपके पास आएगा नहीं दोबारा, तो आप क्वालिटी के साथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वालिटी भी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी और कॉस्ट आपको तो कम रखना ही है अगर आपको मार्केट में कैप्चर करना है तो। व्हाइल द फोकस इज ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी, जब आपका फोकस कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर होगा, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्टिल मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, है ना। जब आप कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल कर ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चला गया। जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि आपको उसको जो है कस्टमर सर्विस मिले, है ना, प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज अच्छी मिले, वो सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, है ना। एज कस्टमर्स मे नॉट एक्सेप्ट लोअर क्वालिटी सिंपली फॉर द सेक ऑफ लोअर प्राइस। तो अभी के टाइम में तो कस्टमर बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, अभी लोगों को नहीं चाहिए कि वो लोग 10 चीजें खरीदें, अभी वो लोग एक ही चीज खरीदना चाहते हैं, बट अच्छी क्वालिटी की खरीदना चाहते हैं। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, अगर आप अच्छी क्वालिटी के सामान रखेंगे तो डेफिनेटली लोग जो है आपके पास आएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है और लोग सिर्फ प्राइस देख करके आपके सामान को ले लें, क्योंकि उनको भी पता है कि प्राइसेस कम है, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी हो और हम लेंगे तो ज्यादा दिन चलेगा, नहीं तो वापस से लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार लो और अच्छा लो, है ना। सो उस चीज का भी ध्यान जो है अभी के टाइम पे रखना जरूरी है। सो कॉस्ट लीडरशिप वॉज अ स्ट्रेटेजी जहाँ पे ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं, कारण है जिसके कारण से वो इवॉल्व हुआ है और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स इट, दैट वाज द पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। छोटा है, 5 5 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 10 मार्क्स में अगर आएगा तो 5 प्लस 5 में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, वॉलमार्ट ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर हैज अडॉप्टेड अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। वॉलमार्ट वही करता है ना, आपने इंडिया मार्ट का नाम सुना है? इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर अगर आप जाइएगा तो आपको बल्क में ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आपको साइकिल्स खरीदने हैं, अगर आप सिंगल साइकिल खरीदेंगे तो आपको 5 6 हज़ार रुपए का पड़ेगा फ्लिपकार्ट में या अमेजन में, बट अगर आप इंडिया मार्ट पे जाकर के 4 5 साइकिल्स अगर आप एक साथ खरीदते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप एक साथ खरीदते हैं, तो वो आपको 3 हज़ार, मतलब बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। वॉलमार्ट तो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, और वॉलमार्ट ने ही अभी फ्लिपकार्ट को खरीदा है,
आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है, इसलिए अब देखना जब आप कंपेयर करेंगे ना अमेजन और फ्लिपकार्ट को, तो उसके मुकाबले फ्लिपकार्ट आपको कहीं आगे दिखेगा, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, फ्लिपकार्ट के पास ज्यादा है वो, क्योंकि उसकी सोर्सेज जो है वो बाहर से भी वो चीजें मंगवा रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया मार्ट का भी सेम है, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, कम प्राइसेस में जो है ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन आपको यही बात है कि आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वहां पे रहता है कि मिनिमम आपको इतना ऑर्डर करना ही है, ठीक है। वहां पे एक्चुअली बिजनेसमैन ही ट्रेड करते हैं जनरली। सो इन्होंने जो है हाँ एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी अपनाई है थ्रू इट्स एफिशिएंट सप्लाई चेन, इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, चीजों को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह तक वो भी बहुत जरूरी होता है, वो बहुत ही तगड़ा है। लार्ज परचेजिंग वॉल्यूम्स, यहाँ पे लोग कम से कम 5-6 क्वांटिटी अगर महंगा होगा तो खरीदेंगे ही, और अगर कम प्राइसेस का होगा तो 100, 150, 200 क्वांटिटी आपको एक ही बार में खरीदना होता है, तो यहाँ पे परचेजिंग वॉल्यूम काफी अच्छा। इसी तरह का एक और प्रोडक्ट, एक और कंपनी है अलीबाबा, चाइनीज कंपनी है, हाँ और जैक मा वाला, वो भी सेम बिजनेस में है, ठीक है, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वॉलमार्ट ऑफर्स प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, इट मेंटेन्स अ फोकस ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी व्हाइल इंश्योरिंग अ वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, है ना। यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप जो ऑप्शंस दे रहे हो लोगों को वो बहुत ही वाइड है, बहुत सारी कंपनीज आपके पास लिस्टेड है, आपको जो चाहिए आप वहां से ले लो, और क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो भी एक्सेप्टेबल होगा, एकदम खराब भी नहीं रहेगा, एकदम अच्छा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। अपीलिंग टू प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स, और ये किसको अपील करता है, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स को, जिसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है वो तो एप्पल ही खरीदेगा, और जिसको पॉकेट के ऊपर असर पड़ रहा है वो तो एप्पल नहीं खरीद सकता ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो है। ओवरऑल अगर बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाई ऑफरिंग लोअर प्राइसेस, राइट, अट्रैक्टिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, जो कि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कॉस्ट थ्रू एफिशियंट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, अगला क्लास मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, आज के लिए इतना ही, और मैं थोड़ी देर में आपके साथ पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ इस वाले सब्जेक्ट का। सो कीप स्टडी, 4 आपके हो जाएंगे, ओके आप सर, 4ों को जितना हो सके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समय एक्सक्यूज ज्यादा मी बचा सर, नहीं है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आकांक्षा कुछ कह जी रही हैं आप? सर, जी सर, सर एबीसी अकाउंट ये ओपन करना पड़ेगा क्या कुछ? राइट राइट, इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाला था। एबीसी अकाउंट आप अपने लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद एबीसी अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे लॉगिन करके यस वो अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। सर, मोबाइल अकाउंट नंबर नंबर, वो भी बैंक रिकॉर्ड, प्रॉपर से। आपने इग्नू से जो भी स्टडी किया है वो सारा का सारा वहां पे रिकॉर्ड रहेगा। ओके सर, सर तो मतलब अभी कंपलसरी है करना क्या एबीसी अकाउंट? कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद वहां पे अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आएगा, आपके पास जो भी डिटेल्स वहां पे मांगा जाएगा आप फिलअप कर दीजिए और वो अटैच हो जाएगा, आपका जो कोर्स है ना ये वो तो उसके ये साथ अटैच हो मांगते हैं, जस्ट जाएगा। मोबाइल नंबर मांगते हैं सर, और एक आईडी बना क्रिएट करके देते हैं। बस सिंपल है, ठीक है, वो क्रिएट कर और लीजिए बेहतर होगा। ओके सर, सर और क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए सर, सिर्फ ये इनरोलमेंट नंबर ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए? बस बस वो पेज खोलिएगा ना, सबसे पहले तो एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद फिर टिक करके आपको लॉगिन पेज पे जाना है, मतलब एंटर करना है, एग्री करके आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद शायद आपको इनरोलमेंट नंबर, कोर्स का कोड मतलब एम कॉम, और नहीं और कुछ नहीं, उसके बाद शायद आप पासवर्ड डायरेक्ट पासवर्ड घुस जाओगे अंदर, ठीक है। ओके ओके सर, सर, सर तो उसके मांगेगा लिए तो सर एबीसी अकाउंट तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। ओके मेन सर, बात है कि जब आपका नहीं रिजल्ट होगा आएगा सर। ना वो एबीसी के साथ, एबीसी अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, वो वहां पे शो करने लगेगा, वहां अगर शो करने लगेगा तो आप डिजी लॉकर है ना, डिजी लॉकर यस वहां से भी आप यस उसको डाउनलोड कर सकती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एबीसी के, इसलिए इन लोगों ने लॉन्च किया है, और गवर्नमेंट के सर, पास, तो इग्नू के पास ही आपका अभी रिकॉर्ड रहेगा। ओके सर, सर तो अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद भी तो कर सकते हैं ना, अभी तो कोई कंपलसरी नहीं बिल्कुल है करेंटली बिल्कुल, करना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ओके, ठीक है सर ओके। कंपलसरी उसमें क्या लगता ही लगता है सर, फॉर्म भरते समय लगता ही है, एपीसी एबीसी का आईडी जो रहता है ना, जो हाँ डिजी लॉकर से अटैच रहता है, वो आईडी मिलता है, ठीक है, वो डालना ही रहता है उसमें, तभी जाके आगे होगा। जस्ट अच्छा, सर तभी मोबाइल नंबर एग्जामिनेशन डालने का है, फॉर्म वो को भी लोग क्रिएट आईडी करते होगा। हैं। फॉर्म भरते वक्त भी अगर मांग रहे हैं तो फिर तो आपको पहले वो करना पड़ेगा आकांक्षा,
ठीक है, वो मैं आईडी क्रिएट रजिस्ट्रेशन हो किया जाए और आईबीसी में डालने का बस हो गया। अभी अच्छा रिसेंटली मैंने किया भी, मतलब मेरे पास थोड़ा आइडिया कम है। बिना वो किए एबीसी अकाउंट हम लोग फिलअप नहीं कर सकते क्या फॉर्म? नहीं नहीं होगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट अभी तक चेक नहीं किया है मैंने पर्सनली, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ा, बट जैसा किशन बता रहे हैं आई थिंक हो सकता है वो ऑप्शन हो। आप एक बार या फिर मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, आप भी एक बार कर लीजिए, और नहीं होता है तो आप क्रिएट कर लो ना, कोई खास मुश्किल काम है नहीं आकांक्षा। ओके सर, ओके। ठीक है, आप एक बार वेबसाइट विजिट ऐसे करके मान लॉक कर लीजिए अच्छा है कीजिए। वो, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, अच्छा है वो, हाँ, फायदा है उसका। अच्छा ठीक उसमें है फिर। चाहिए क्या एबीसी अकाउंट में? सिर्फ एनरोलमेंट नंबर चाहिए? नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, ओटीपी पुट अप करने का है, उसमें ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा डिजी लॉकर से अटैच होके आधार कार्ड से। अच्छा, ठीक है। ओके गाइस, आकांक्षा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा, डोंट ओके वरी। कोई सर, भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ओके सर, व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है? ओके देन, सो ओके नेक्स्ट क्लास सर, में मिलते हैं, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा अगला क्लास कब होगा, ठीक है? ओके देन, ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है गाइस, सर, ओके ओके देन, सर, गुड थैंक नाइट, यू, गुड बाय, या बाय। नाइट सर, बाय।